अबे यार बहुत लेट हो गया, कहीं इंटरव्यू मिस ना हो जाए। मैं पेपर तो चेक करे ही नहीं। ये भी है, ये भी है। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। पेपर भी गए और नौकरी भी गई। हे गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ओलम ट्रेड। ओलम ट्रेड 2014 से फील्ड में एक्टिव है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करने की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। यहाँ पे फंड डेमो अकाउंट में मिलेगा जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइनअप करोगे, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे, तो आपको 50% का बोनस मिलेगा और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट पर 30% का बोनस। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल रहता है आपकी हेल्प के लिए। और हाँ, इसमें पैसे डिपॉजिट करना बहुत ही इजी है, तो देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करो और अवसर का लाभ उठाओ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई तूने एक लड़की को चाटा मार दिया, गलत किया है तूने। यार गुस्से में हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी यार गलती उसकी भी थी, इसलिए तो बिना कुछ बोले चली गई। पर देख के तू भी नहीं चल रहा था। भाई माना गलती मेरी थी, मगर देख के वो भी नहीं चल रही थी, वरना थप्पड़ मारने के बाद पलट के जवाब तो देती मेरे को। हाँ ये बात भी सही है, पर यार जब मैंने उसे देखा ना, मेरी आंखें उसी को देखती रहेगी, मानो जैसे मैं उसी को देख रहा हूँ। और देखना, ऐसा लग रहा है कि वो भी मेरे सामने से चल के आ रही है। रुस्तम, ये वही लड़की है जिसे तूने कल देखा था? हाँ भाई वही लड़की है, कितनी सुंदर है ना यार। ओ भाई ठीक से देख, ये वही है ना? हाँ भाई वही है, उसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, पूरी रात उसका चेहरा मेरे सामने था यार। अबे वो विधवा है। तो क्या हुआ, क्या विधवा है? भाई कल मैंने उसे चाटा मार के बहुत बड़ी गलती कर दी यार, सॉरी बोलना चाहिए। हाँ तुझे जाना चाहिए, तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। सुनिए सुनिए तो सही, तूने देखा ना वो सुनने कोई राजी नहीं है। कोई बात नहीं, तूने कोशिश तो की, अब रहन दे। नहीं यार मुझे उससे प्यार हो गया है, अब ये सॉरी उससे मिलने का एक बहाना है। ओ भाई वो एक विधवा है। तो कौन सी किताब में लिखा है कि एक विधवा से प्यार नहीं कर सकते? और ये प्यार है यार, किसी से भी हो सकता है, और मैं नहीं मानता ये विधवा विधवा, और उसे भी तो अपनी दूसरी जिंदगी जीने का हक है। चल अब ज्यादा मत सोच। एक्सक्यूज मी, सुनिए तो सही। Thank you.
कुछ भी हो पर मुझे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जॉब मिल गई तुझे। हाँ भाई, थैंक यू। तो फिर कब निकल रहा है अब? यही बस एक हफ्ते बाद। मैं दीक्षा। मैं मोहित। क्या आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि कल वो मुझे पार्क में आके मिले, मुझे उनसे माफी मांगनी थी। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। सॉरी, वो मेरे से भी उस दिन गलती हो गई थी। कोई बात नहीं। वैसे आपको नौकरी मिल गई या फिर मेरी वजह से? नहीं, जॉब तो मेरे को मिल गई है और नेक्स्ट वीक मेरी जॉइनिंग है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दीक्षा। हाँ, वो दोबारा कब मिलेंगे हम? भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। क्या बात है भाई, आज मंदिर कैसे? भाई, दीक्षा ने बोला था कि भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं भगवान के पास आया हूँ। अब जल्दी से चल। तू चल, मैं आता हूँ, मेरी कॉल आ रही है। चल ठीक है, हाँ जल्दी आइयो। हे भगवान, दीक्षा ने बोला था कि दोबारा मुलाकात आपकी मर्जी से होगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ भगवान, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज़। तू नूर सांवर का, पीरां दी दुआवर का, कोई अक्खर जुड़े आ नहीं, सोना तेरे नाम वर का। बंद दरवाजे तेरे नैना दे, दस्तक देवे रूह मर जानी, तेरा मिल जाना रब दी आमद, तेरा विछड़ना अख दा पानी। यहाँ कैसे? वो तुमने कहा था ना कि भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे, इसलिए मैं भगवान के पास आ गया। वैसे क्या मांगा भगवान से? वही, हम जिसे चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे। वैसे कौन है वो खुश नसीब? है कोई प्यारी सी लड़की, बस उसे भी मेरे से प्यार हो जाए। वैसे आप बहुत अच्छे हो, अच्छे लोगों से तो हर किसी को प्यार हो जाता है, उसे भी आपसे हो जाएगा। वैसे कल आप पार्क आ रही हो क्या? क्यों? वो अकेले पार्क में आके बोर हो जाती होगी, तो थोड़ा कंपनी दे दूंगा। तू नूर सांवर का, पीरां दी दुआवर का, कोई अखर जुड़े आ नहीं। आप कितनी अच्छी बातें करते हो। वो तो बस जब आप सामने होती हो तो बातें निकल ही जाती है। वैसे यार, तुम हमेशा सफेद साड़ी में। सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं पूछ सकता हूँ ये सब कैसे हुआ? ये मेरे हस्बैंड, ये एक फौजी थे। एक दिन इनकी पोस्ट पर एक हमला हुआ जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो इनकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई। हाँ
एक बार और सोच ले, जो तू कर रहा है वो सही तो है ना? जितना सोचना था उतना सोच लिया है। दीक्षा को और मैं उन कपड़ों में नहीं देख सकता भाई। और तुझे पता है, जब वो मेरे साथ होती है ना तो बहुत खुश होती है, लेकिन हंसते हुए जब अपने उन कपड़ों को देखती है उसकी हंसी वहीं फीकी हो जाती है। मैं उसे और उन कपड़ों में नहीं देख सकता यार, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसी से शादी करूँगा। एक बार दीक्षा से तो पूछ ले भाई। मैंने दीक्षा को कॉल कर दिया है, उसे मंदिर बुलाया है, इसके बारे में उसे वहीं पे बताऊंगा। तो किसी की खुशी के लिए कितना सोचता है यार। अच्छा चल ठीक है, मैं उससे मंदिर में मिल के आता हूँ। हे भगवान, आपने मुझे दीक्षा से दूसरी बार मिलवाया था, फिर मैं उससे रोज मिलने लगा, और मुझे अब रोज ना मिलना पड़े, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं उसे हमेशा खुश रखूं और हम एक हो जाएं। राघव, शक्ल देख रहे हो रुस्तम की? तुम भी कुछ देर पहले मुझे ऐसे ही देख रही थी। क्या हुआ, अब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? ये तो सेम, मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गई थी जब मैंने इन्हें देखा था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी से हंसूं या रोऊं। लेकिन ये तो मैं बताती हूँ। रुको, मैं बताता हूँ। हुआ यूं था कि जब हमारे पोस्ट पे हमला हुआ था, मैं तो जिंदा बच गया था, लेकिन मुझे जिंदा देखकर टेररिस्ट मुझे अपने साथ ले गए, और कुछ दिन पहले ही मेरे साथियों ने मुझे वहाँ से छुड़ा लिया, और अपने जिंदा होने की खबर मैंने उन्हें मना करा था इसे बताने से, क्योंकि ये खुशी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। कहते हैं ना, सच्चे प्यार करने वाले को भगवान कभी अलग नहीं करता, और तुम तो वैसे भी इतनी अच्छी हो, तो तुम्हें अपने हस्बैंड से कैसे अलग कर सकता था। हाँ, वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो आज ही ना मेरी जॉइनिंग है जॉब की, तो मैंने सोचा आखिरी बार तुमसे मिलता हुआ चलूं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और आज ही मैं शहर छोड़ के भी जा रहा हूँ। चलो, एक जॉब तुम्हारी मेरी वजह से छूट गई थी, बाकी अब किसी से मत टकराना और आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। तो मैं चलूं? हाँ तुम जाओ, मैंने भगवान के दर्शन करा देती हूँ। बस यही कर रहे आज से दूर हो जाए दिल जे, बस तेरे पास से भूलना तो तुम्हें इतना आसान नहीं, याद आएंगे हम भी कभी ना कभी, जान भी मेरे ले ली आज तुमने। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।